मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इन चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अब उनके समर्थक और अब सिंधिया ने चुप्पी तोड़ दी है। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना भी साध दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में मध्य प्रदेश में कार्य समिति की बैठक का हिस्सा बने। एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बाकी के तमाम सांसद विधायक भी इस आयोजन का हिस्सा बने। मंच से जहां एक तरफ अमित शाह ने अपनी बात रखी तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी, लेकिन इसके बाद देखने को यह भी मिला कि सिंधिया किस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने ना सिर्फ यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर अपनी बात रखी बल्कि सिंधिया ने यहां पर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का हिस्सा बनकर अपनी बात रखी। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद सिंधिया मीडिया के सामने आए और उनका कहना साफ तौर पर रहा यहाँ पर पूर्व विधायक का टिकट कटने पर कि कोई आपके साथ नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, आपका गुट रहेगा, मेरा गुट रहेगा और उनका गुट रहेगा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जिताऊ हैं और उसे जरूर टिकट मिलेगा और इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ग्वालियर में रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में अहम रणनीतियां बनाई गई। वहीं सिंधिया का कहना साफ तौर पर रहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प मेरा बूथ के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां रणनीति 2023 और 2024 के लिए बन रही है, दोनों चुनाव में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में फहराएंगे। सिंधिया ने यहां पर यह बातें भी रखी कि गृह मंत्री अमित शाह का पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ रहा है और ऐसे में पूर्ण चुनाव की कमान अमित शाह संभाल रहे हैं और अब देखा जाए तो सिंधिया यहां पर अपने समर्थकों का जिस तरीके से उनके समर्थक कांग्रेस खेमे में वापसी किए हैं उसको लेकर यहां अपनी बात रखते हुए नजर आए। मालूम हो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कि अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों में पकड़ मजबूत बनाइए वरना टिकट काटा जा सकता है। कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थकों में वो डर दिखाई दिया और सिंधिया के तकरीबन 5 से 6 समर्थक कांग्रेस में अब तक वापसी कर चुके हैं और दावे तो ये कर रहे हैं जो सिंधिया के पास जो समर्थक बचे हैं वह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। मालूम हो कि 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और आज देखा जाए तो सिंधिया कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। किस तरह से सिंधिया ने अपनी बात रखी है सुनिए जरा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 का परचम और 2024 का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा उस परचम को हम मध्य प्रदेश और देश में भी दोनों में भी गाड़ के रखेंगे जनता के आशीर्वाद। आपने सुना कि किस तरीके से सिंधिया यहां पर चुनौती देते हुए नजर आए हैं कांग्रेस को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में यहां पर जीत किसकी होती है क्योंकि गुजरात फॉर्मूले को यहां पर लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।